चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर अभी हाल ही में होली गई, होली को लेकर वसई का एक संगठन है जिसने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस संगठन के द्वारा इस आयोजन में वसई विरार महानगर पालिका संगठन द्वारा किए गए इस आयोजन में वसई विरार के कई महानुभाव शामिल हुए। वहीं प्रमुख भोजपुरी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर यूपी के एक विधायक भी इसमें शामिल हुए। आगे देखिए कार्यक्रम की झलकियां और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को लेकर इस संगठन ने इस कार्यक्रम का आयोजन करके होली मिलन के नाम पर देश में भाईचारे का संदेश दिया। बने रहिए सेफ न्यूज लाइव। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील यादव। सर, आज का जो प्रोग्राम है होली मिलन समारोह, इसके बारे में जानकारी दीजिए यार। ऑर्गेनाइज किसने किया है, इसमें कौन कौन शामिल होने वाले मेहमान आए हैं? आज ये होली मिलन का त्यौहार है, इसमें होली के बाद इसको किया जाता है। आपसी सौहार्द के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए सब लोग मिलजुल के पर्व मनाते हैं। आपसे दूरी आते हैं उसको निकलते हैं इस त्यौहार के माध्यम से। और इसको कराने के लिए युवा शक्ति संघ एस टी कॉर्पोरेशन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तमाम हमारे भोजपुरी कलाकार आपके बीच में प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ के तमाम अतिथि, नगर सेवक और विशिष्ट अतिथि सारे लोग यहाँ। आज मुख्य अतिथि हैं हमारे यहाँ के विधायक हैं माननीय सुभाष पासी जी, वो आए हुए हैं और यहाँ हमारे भोजपुरी के तमाम कलाकार आए हुए हैं। ये भाईचारा सौहार्द का त्यौहार है, इस पर्व को मनाने के लिए यही एक संदेश दिया जाता है कि आपसी जो दूरियाँ उसको मिटा के आप एक दूसरे से गले मिलिए, एक दूसरे के साथ रहिए और भाईचारा बना के रखिए। आज के कार्यक्रम की जानकारी। ये कार्यक्रम जो युवा शक्ति संघ एक संस्था है जो अपने उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, इसका ये उन्हीं के बैनर के माध्यम से कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। होली मिलन का कार्यक्रम की शुरुआत की रूपरेखा है। कौन कौन आया है यहाँ पर, क्या हुआ है? भोजपुरी जगत के जितने सारे स्टार है वो तो आए ही है। और इधर हुआ तो उत्तर प्रदेश के शहर विधानसभा के एमएलए जो है सुभाष पासी जी का आज का इस पर आज का यहाँ वसई विरार के अपने उत्तर भारतीय समाज में विश्वास रखने वाले जितने लोग हैं सारे लोग आए हैं। विशेष तौर पर यादव समाज का आयोजन है? नहीं, यादव समाज का आयोजन नहीं है, ये सर्व समाज का, सभी समाज का आयोजन है। सारे लोग को बताया गया, सारे लोग का मंच है, ऐसा नहीं केवल उत्तर भारतीय समाज के लिए भी नहीं है, ये सारे समाज के लोगों के लिए है। मेरा कहने का मतलब यादव समाज द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया, यादव समाज ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, युवा शक्ति संघ और एस सी कॉर्पोरेशन की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। युवा शक्ति संघ एक संस्था है जो पूर्वांचल में लोगों के जनहित के लिए काम करती है। होली का समय है तो अखिया भैले लाल और एक आपका स्वागत है। विक्रम यादव जी, हमारे सच्चे लाल यादव जी, तमाम हमारे चिरप्रसिद्ध चेहरा जवाहर जायसवाल जी, सभी लोग उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार जोरदार ताली से स्वागत है आपका, अपने नाम पे जोरदार ताली। रही 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 कहां से हो? टंका माछा आधा बढ़ाओ दुनिया बदल रही है, बदल जाइए,
युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील भाई का कहना है, एक लाइन मात्र, कि दुनिया बदल रही है, बदल जाइए, नहीं बदलेंगे तो बदल दिए जाएंगे। विकास वाली गाड़ी से कुचल दिए जाएंगे। सुरेंद्र यादव जी, सभी भाइयों को नमस्कार है। होलिया में सबको बधाई, होलिया में सबको बधाई, हिंदू को बधाई, मुसलमान को बधाई, हिंदू को बधाई, मुसलमान को बधाई। हाँ यार भाग गई, अरे गले मिला सब भाई भाई, होली राम सबको बधाई। बता पारी संगत मेरी बनी गंगा, समय कम है, बॉम्बे जी हुकी बाजार सोनपुर बनेगा। सुपर स्टार गायक को आमंत्रित करता हूँ, आप मंच पर आए और अपना जलवा दिखाएं। संजय लाल यादव जी हम लोग के बीच मंच पर आते हुए एक बार जोरदार तालियों से संजय लाल यादव जी का। आप कलाकारों को ले जाकर उचित मंच पर, होली का समय है तो अखिया भैले लाल, अरे एक नींद सोवेगा, आपका शुरुआत है, अरे एक नींद सो